लाजमानी रही। आज सदर मोहतरम जनाब नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साकी डायरेक्टर कब्जे कारवान और गुलगुंडा मकई दरवाजे का जो कदीम मौशियत अमल है, जिसके अंदर आज गेट नहीं गेट का इख्तिताम अमल में, जिसकी लागत 4 लाख की लागत चिल्लर से लागत से, जिसके अंदर गेट है, इंटरलॉक टाइल्स का काम है, दीगर सिविल वर्क का काम है, और साथ ही साथ आशिर खाने को जो सीवरेज लाइन स्टेमिनल वाटर की ज़रूरत थी उसकी भी मंजूरी ले चुकी है, टेंडर भी हो चुका, चंद वजह की वजह से रुका हुआ है, इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो काम भी चालू होगा। इसकी लागत 8 लाख शिलर की लागत से LP2 पाइपलाइन दीगर कामों का उसका भी इख्तिताम अमल में आया, और साथ ही साथ इस यहाँ पर हर साल की तरह एक बार भी जो करीब करीब हज़ारों की तादाद में पुराने शहर से लेकर गोलगुना मक्के दरवाजे को जो ज़्यारतमंद लोग आते हैं उनकी सहूलत के लिए पानी का और बर्फी का इन तमाम चीज़ों की सहूलत दी गई। करीब करीब 300 चिल्लर लाइट्स रास्ता तमाम लगाए गए, पानी के बॉटल दिए, टैंकर्स का भी इंतज़ाम किया गया, और एक मोबाइल ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पर 10 से 12 दिन के लिए लगाया गया, और आज यहाँ पर मिनी मास का भी इख्तिताम अमल में है, जो हमारे MLC साहब है उनके हाथों से इख्तिताम अमल में है। मैं समझता हूँ इस मकई दरवाजा आशिक खाने को हर साल लाखों रुपये लगाकर नुमाइंदगी सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर मैं हो या हमारे मौजूदा MLC साहब हो और यहाँ के जो ज़्यारतमंद लोग हैं लोग मिलकर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम जमात की जानिब से कराते हैं, और इस साल भी करीब करीब 20 लाख की लागत से आशिक खाने को यहाँ पर आवाम को जो आती है पब्लिक ज़ाहरीन जो आते हैं उनको तो कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उन तमाम चीज़ों के लिए उनको सहूलत के लिए यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट के काम कराते हैं। मैं समझता हूँ जो मकई दरवाजा आज से 20 या 25 साल पहले इस हालत में था, जो उस वक्त भी मरहूम हमारे सदर मोहतरम जनाब अला सुल्तान सलाउद्दीन अलीसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जिस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस दौर से लेकर आज की तारीख तक गोलकुंडा मकई दरवाजा आशिर खाने को और गोलकुंडा बालाहिसार के सामने जो पुराना कदीम आशिर खाना है जहाँ पर पंजे वगैरह रखे जाते हैं, उस आशिर खाने को भी वहाँ पर डेवलपमेंट हर वक्त कराए जाते हैं।